भोरसदुप मंडल के तहत आने वाले गांव पिदरता का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से शिकायत को लेकर मिला। गांव के लिए खरवार से पिदरता तक बनने वाले संपर्क मार्ग के लिए एक परिवार के रुकावट डालने की शिकायत की। पंचायत के प्रधान तथा गांव की तीन अन्य सामान्य वर्ग के परिवारों के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अनीता कुमारी ने भूमि का कुछ हिस्सा खरीदा है तथा वह अवैध कब्जा कर सड़क को बंद करने पर तुली हुई हैं। इस सड़क को पक्का करने का काम अनीता देवी के घर तक हो चुका है। सरकार द्वारा इस सड़क को पक्का करने की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि अनीता कुमारी पत्नी कुलदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्र लक्ष्मण राम व शीला देवी पत्नी सुनील कुमार गांव के लोगों को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं और उन्हें इस प्रकार की धमकियां भी देने पर उतर आए हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उधर जिला पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने कहा कि पिंदड़ा गांव के लोग शिकायत को लेकर मिले। शिकायत की जांच डीएसपी जसवीर कर रहे हैं। रास्ते का ना वो सैनी रास्ता चला हुआ था हमारा, अब उसमें पंचायत कंक्रीट डाल रही है और उसने रास्ते में वो वहाँ रास्ते के साथ ही जमीन खरीदी है थोड़ी सी मकान के लिए, उसने वहाँ पर एनक्रोचमेंट कर दी रास्ते में और हमारी सड़क को बंद कर दिया, जो सड़क 25-30 साल से चली हुई है। अब उसको पक्का करने का काम पीछे पक्की हो गई, आगे पक्की है, बीच में है थोड़ा सा पोर्शन, वहाँ वो एनक्रोचमेंट कर रहा था। जब हमने उसको मना किया तो उसने एट्रोसिटी के तहत हमारे ऊपर कंप्लेंट कर दी है। एनजीओ होती है SC ST सेल की दिल्ली से, और ये हम SP साहब से तब मिलने गए थे कि वो जो तीन आदमी उसने इन्वॉल्व कर रखे हैं वो झूठा है, वो तो मौके पर थे ही नहीं। जब काम लगा हुआ था पंचायत के द्वारा, काम किया जा रहा था, मनरेगा की लेबर लगी हुई थी, अब उसकी थोड़ी बहुत वो हो जाता है रास्ते में, उसने हमारे ऊपर वैसे ही केस बनाने की बात कर दी। तो SC के हैं इसलिए उसने उसको पता नहीं किसी ने गाइड किया और उसने तीन आदमी हमारे जो अपर कास्ट के थे उनको इन्वॉल्व कर दिया और उनके अगेंस्ट यहाँ एट्रोसिटी में एप्लीकेशन दी। बाउंड्रियाँ तो कायम हुई नहीं, डिमार्केशन तो तब होती है जब बाउंड्रियाँ एक दूसरे की भी कायम हुई, वो एक तरफ से थोड़ा नहीं हुआ, तो वैसा हुआ। अब SP साहब बोल रहे हैं कि जी हमने तो FIR दर्ज करनी है, FIR है, हम उसको डिले तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं तो कर दें, तो जो आदमी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो अपर कास्ट के हैं, हमने बोला हम भी तो SC ST कैटेगरी के हैं, हमारे ऊपर करना था उसको, जिनको वो सड़क जा रही है रास्ता जा रहा है वो तो उनका है, उस बस्ती को जा रहा है जहाँ 35-40 घर हैं हमारे। अब ये प्रशासन उस बात को मान नहीं रहा है, इन्होंने एक इशू बना लिया कि जी SC ST का, हमने कहा हम भी तो 30 परिवार हैं SC ST के। तो क्या हम SP साहब से इसलिए मिलने आए थे कि खतरवाड़ से पिदरता के लिए एक लिंक रोड जाते हैं जो कि सदियों पुराना तो रास्ता है और 20 साल से लिंक रोड का के रूप में वो चालू है, गाड़ियां आती है जाती है। उसमें एक बाहर का जो आदमी था अनीता कुमारी डॉक्टर क्या डेट ऑफ कुलदीप कुमार, उसने वहाँ पर एक जमीन खरीदी थोड़ा मरले थी या एक कनाल थी वो लिंक रोड के साथ, उसने कह के मार्च महीने या अप्रैल महीने में वहाँ पर अपना एक मकान का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया और हमने पंचायत को जो है वो अप्लीकेशन दी कि इसने रास्ता जो है हमारा बंद कर दिया। तो पंचायत मौका वारदात पर आई और उसने जो पिल्लर थे वो एक फुट पीछे हटाए गए और हमारा जो रास्ता था वो खोला गया, लेकिन जब उसका मकान तैयार हो गया तो उसने क्या किया कि दीवार जो है और आगे को बढ़ा दी गई और वो रास्ता जो फिर बंद हो गया। और उसने उस रास्ते के बीच में जो बांस होता है हमारा, उसके बांस के जो झुंड होते हैं उसमें रख दिए और उस सड़क को बिल्कुल बंद कर दिया और हमने फिर पंचायत को अप्लीकेशन दी कि हमारा जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। पंचायत मौके वारदात पर आई और उसने उन झुंडों को उठाया गया और अवहेलना करने के उपलक्ष में उनको 100-100 रुपये जुर्माना भी दिया। उस जुर्माने के एवज में उन्होंने क्या किया कि वो ST होने के नाते उसने क्या किया स्वर्णों के ऊपर जो है वो केस थोप दिया। SC ST को जो कोई कानून चला है आजकल उसके तहत हम SP साहब से मिलने आए, लेकिन हमारी तो सुनवाई कोई नहीं हुई। हमने कहा कि तीन आदमी तो मौके वारदात पर थे ही नहीं और इस सच्चाई को हमने ये कहा कि इसको बंद कर दिया जाए। हमारी सड़क है, हम सड़क तो लेनी है, चाहे इसका 6 इंच टूटा है रास्ता। उसने कहा कि मेरा रास्ता जब टूट गया काट ले, जो निशानदेही हुई है वो वर्बली एक ही तरफ से यानी पूर्व से दक्षिण की तरफ जो है वो एक तरफ निशानदेही, जबकि चारों दिशों से जो होती निशानदेही मान्य होती है तब उस सड़क का जो है वो पक्का बनना जो है वो निकलता है।
इसलिए इन्होंने जहाँ भी की है ये फोर्स किया गया लोगों को, ताकि इनका जो वो हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी जाए। हम यही चाहते हैं आने वाले टाइम में अगर ये काम इन्होंने कर दिया, अगर हमारे विरुद्ध ये FIR दर्ज हुआ, 3 आदमियों को अरेस्ट किया गया, तो हम आंदोलन करेंगे और आइंदा के लिए जब तक हमारे न्याय नहीं होते हम लड़ते रहेंगे। ये हमारे